सैयद मरजान अली, बुखारा शरीफ से आए थे। सो दोस्तों, बस हम निकल चुके हैं अपने सफर पे और मैं भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। So, hello guys, assalamu alaikum, मैं हूँ आपका अकबर अहमद, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और आज ये हमारा मौदाम है, आखिरी दिन यानी कि हम कल जा रहे हैं लखनऊ। और आज हमने कहा कि बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि भाई माचा का व्लॉग बनाइए, माचा के दरगाह का व्लॉग बनाइए। चलिए हम करते हैं माचा के व्लॉग। और सबसे पहले थैंक यू सो मच गाइज कि आप लोग इतना ज़्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं एंड जितना मैंने सोचा नहीं था। तो इस वक्त हम हैं बड़े चौराहे में और आपके भाई को थोड़ी सी एनर्जी की ज़रूरत है क्योंकि व्लॉग में एनर्जी होगी तभी आपको मज़ा आएगा। तो हम चलते हैं जूस पीने। गाइज ये हमारा फाइनली मौसम्मी का जूस। तो भाई ये मौसम्मी का जूस हो गया है और बहुत मज़ा आया। और ये हमारे अमित भाई हैं जिन्होंने हमें बेहतरीन मौसम्मी का जूस बना के दिया। सो थैंक यू सो मच और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। और हम भी मौदास हैं ऐसा ना देखिए। तो बस अभी चल रहे हैं हम लोग माचा की तरफ और बस बने रहे क्योंकि ये व्लॉग बहुत रूहानी, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार होने वाला है दोस्तों। हमारे मौदा के बड़े फेमस ऑटो वाले और इनके एकदम साथ वो हमारे बड़े फैन हैं, हमारे सारे ब्लॉग देते हैं। थैंक यू सो मच, इनको मेरा सलाम कहिएगा। और ये सामने बड़े चौराहे का गेट है, ये हमारी ऑटो है और मौसम बहुत सुहाना है तो चलिए चलते हैं ऑटो पे जल्दी। ये हमारे बदरुद्दीन चचा जो कि कमरिया से ही है। और एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जितनी ऑटो चलती है वो सिर्फ कमरिया वाले ही चला सकते हैं, बाहर वालों को ऑटो अलाउ नहीं है, ऐसा ही है ना। तो बस चलिए हमारी सीट हमारा वेट कर। तो दोस्तों बस हम निकल चुके हैं अपने सफ़र पे और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। और थोड़ा सा लाइट का इशू है आगे पीछे हो रही बिकॉज ऑफ हम पेड़ों के भी पास से निकल रहे हैं। बहुत मज़ा आने वाला है और मैं काफ़ी वक्त के बाद जा रहा हूँ और इंशाल्लाह मे भी हो सकता है वहाँ पर हमारे कुछ चाहने वाले भी मिल जाएँ। तो बस बने रहिए सफ़र पर और आई होप कि ये व्लॉग आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होगा। इनफैक्ट मौदा के ऑडियंस को तो वाकई अच्छा लग रहा होगा। तो बस प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए, मेरी मेहनत को सपोर्ट करिए। तो बस चलते हैं, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा यार। Yeah, I'm on my way home. I'm no good for you, so I drive around Manhattan. They're all laughing. Oh, I'm tragic. Yeah, I'm driving in my car. And seeing open, but I can't go down that road again. I smoke a cigarette. Who will that help me forget? ये है चौली पुरवा का प्राइमरी स्कूल जो कि काफ़ी बड़ा यानी काफ़ी डेवलप हो चुका है, पहले बहुत छोटा था, मतलब आज से तकरीबन 10-15 साल पहले, बट आज देखो बहुत ज़्यादा बड़ा और निर्माण भी अच्छा है। ये देखिए चौली पुरवा का है। सो भाई साहब ने हमें यहाँ माता गेट पे ड्रॉप किया हुआ है। एंड सो गाइज ये है हमारा माचा का गेट और ये रास्ता आपका सीधे जाता है कमरिया शरीफ। और ये जो गेट है ये माचा की तरफ मुड़ जाता है और तकरीबन यहाँ से मुझे लगता है शायद इस गेट से लेकर 2 किलोमीटर है मज़ार शरीफ। तो गाइज हम आ चुके हैं माचा गेट पे और बहुत सारे लोगों ने, इनफैक्ट तारिक भाई ने और काफ़ी लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट करी थी कि भाई आप माचा का व्लॉग ज़रूर करिएगा। तो बस उन सब की रिक्वेस्ट थी और मेरा भी दिल कर रहा था, मुझे भी व्लॉग करना था। तो बस उन सब के लिए मैं आ गया हूँ और अभी हमारे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, बस यहाँ से हम सीधे चलेंगे। तो बने रहिए व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सबसे पहले सब्सक्राइब करिए चैनल को और फिर हमारे सफ़र में बने रहिए। और ये हमारे जो है तो औसफ भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, और खैरियत? सब बढ़िया, फाइनली मतलब जो तो मुलाकात हो ही गई। जी जी। हाँ, तो ये हमारे औसफ भाई हैं और अभी हम चलेंगे सामने 2 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे, फिर चलेंगे हम माचा के मज़ार पे। तो चलें? बिल्कुल चलिए भाई। तो अभी हम मिल चुके हैं औसफ भाई से और अब चलते हैं यहाँ से हम सीधे माचा और उसके बाद फिर वहाँ पे क्या क्या होगा चलिए बने रहिए। तो बस निकला जाए। बिल्कुल चलिए भाई। और बाकी ये व्लॉग आपको कितना अच्छा लग रहा है मुझे कॉमेंट करके जल्दी से बताइए दोस्तों। ये शनवास भाई है और आज कहाँ घूम पड़े? आए थे यार माचा, आए थे गांव अपने।
अच्छा चलो बढ़िया है, मतलब ये इत्तेफाक हो गया। इत्तेफाक हो गया। और तुम कैसे? बस मैं भी ब्लॉग करने। तेरी राहों में जो एक बार खुद को खोता है तेरी यादों। तो चलिए सबसे पहले हम श्रीनी लेते हैं, और श्रीनी लेने के बाद हम चलते हैं मजार के अंदर। तो वैसे मेरी फेवरेट है लेची दाना से रिवड़ी, तो एक पैकेट रिवड़ी दे दीजिएगा और एक अगरबत्ती दे दीजिएगा, माचिस दे दीजिएगा। दोनों पैकेट? नहीं नहीं एक पैकेट सिर्फ रिवड़ी। माचिस? तेरी राहों में जो एक बार खुद को खोता है तेरी यादों में तड़पता है और रोता है, अपनी हस्ती को अपनी हस्ती तेरे। सो गाइस वजू हो गया और अभी चलते हैं ज्यारत करते हैं, और फिर आपको कोशिश है मेरी कि ज्यादा से ज्यादा मजार के बारे में आपको बता सकूं। दीदार तेरा होता है मुझ पर, ये तेरी ना यत है मुझ पर, ये तेरा करम हर बार हुआ। कोशिश है कि आपको जितने भी ब्लॉग बनाऊं पूरी हिस्ट्री के साथ में और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के साथ में आपके सामने पेश करूं। हमारे साथ में जमात अली साहब हैं, उसका होता है माचा के मज़ार के नाम से लोग बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं ये हैं सैयद शाहजाद हज़रत मौलाजी से के साहबजादे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है मगर हुसैन अलैहिस्सलाम नसर चलिए अलैहिस्सलाम से जो करबला शरीफ में आपकी शहादत हुई थी। जी जी। फिर उनके साहबजादे हज़रत ज़ैनुलाब्दीन, ज़ैनुलाब्दीन से के वही सिर्फ करबला में बचे थे, उनसे सैयद शाहजाद चलिए। तो सैयद मर्दान ज़ैनुलाब्दीन की नस्ल से हैं ये। नाम है सैयद मर्दान अली, बुखारा शरीफ से आए थे। किस टाइम में आए थे? जब ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह हिंदुस्तान की तशरीफ लाए थे, उनके बाद में सबका फैलाया, कोई बुखारा से कोई बसरा से, और सिलसिला चला है। तो हज़रत सैयद मर्दान अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे हम हैं, और बहुत जानकारी दी बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छी जानकारी दी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उर्स कब होता है, मतलब जो हमारी इंग्लिश वाली डेट है उस डेट के हिसाब से कब होता है? अगाहन के महीने में होता है ये, मस्तान बाबा की तारीख या इनकी तारीख मुकर्रर है। अगाहन में जो चांद क्यों ना इस पड़ जाए, सफर हो या रजब हो या जल हज हो, कोई भी महीना हो, 19, 20, 21 को फुल होता है। और तो नवंबर की 15 तारीख के आसपास उर्स होता है। तो अगर आप ज़ियारत करना चाहते बहुत सिंपल है, मौदहा आइए एंड मौदहा से बड़े चौराहे से आपको ऑटो मिलेगा, 10 रुपया लेगा, वहाँ से आपको 2 किलोमीटर मेन रोड से बस आइए, और माशाल्लाह से बहुत आपको सुकून मिलेगा। तो ज़रूर एक बार ज़ियारत करिए। तो आइए हमारे साथ भी आप ज़ियारत करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों ये था हज़रत सैयद मर्दान शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह यानी कि माचा का प्रॉपर व्लॉग, और ये व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने
में ज़्यारत कर लिए, तो और लोगों को भी दिखाइए और लोगों को भी शेयर करिए। और ये हमारे औसत भाई हैं, इन्होंने आज बड़ी मेहनत करी है, बहुत साथ दिया, सो थैंक यू सो मच। और मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग मैं आपके लिए ला सकूँ। उसके लिए आपको करना है क्या कि भाई को सपोर्ट करना है, आपका सपोर्ट है, मेरी मेहनत है, मेरी लगन है, इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे। और आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। तो दोस्तों बस इसी के साथ फिर मिलते हैं किसी दिन किसी नेचुरल एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, शब्बक है, लव यू गाइज़।